तो भारतीय कुश्ती संघ पर सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर सरकार का बड़ा एक्शन, जहां खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द किया है। खेल मंत्रालय की तरफ से कुश्ती संघ को रद्द किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां नए कुश्ती संघ को रद्द किया गया है, सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। जो हां नए अध्यक्ष संजय सिंह को किया गया निलंबित, तो नए अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित किया गया है। नए अध्यक्ष की मान्यता रद्द कर दी गई है। यह इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। जो हां भारतीय कुश्ती संघ के हाल ही में चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें अब एक बार फिर से बड़ा एक्शन सरकार का देखने को मिला है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द किया है। अजय, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए अभी तो अध्यक्ष पद का ऐलान जल्द ही हुआ था, जल्द ही संजय सिंह को कमान दी गई थी, ऐसे में एकाएक आखिर सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया, इसकी वजह क्या है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि पिछले दिनों भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव हुआ, जिसमें 47 से 48 वोटों में से एक वोट को हटाया गया था, तो 40 वोट इनके पक्ष में मिले थे। लेकिन उसके बाद इनके ऊपर ये आरोप लगा कि ये भूषण शरण सिंह के गुट के हैं, इस वजह से भी एक बड़ा रीजन रहा कि इनको हटाने के पक्ष में। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि भूषण शरण सिंह के लोगों ने और भूषण शरण सिंह ने जो मीडिया में बेतुके बयान दिए कि दबदबा है, दबदबा, इस तरह की चीजों को भी शायद खेल मंत्रालय ने गंभीरता से लिया। और सबसे बड़ी बात जो निकल के ये भी आ रही है कि इसने पिछले दिनों अभी अयोध्या में संजय सिंह रामलला के दर्शन करने गए थे, लेकिन वहां पे भी उन लोगों ने वही चीजें दोहराई हैं। और जिसके बाद जैसा कि पिछले दिनों जब ओलंपिक संघ के चुनाव हो गए हैं कुश्ती संघ के, तो उसके बाद संजय सिंह को जब अध्यक्ष इलेक्टेड किया गया, उसी के कुछ देर बाद ही जो कुछ खिलाड़ी कुश्ती संघ के, साक्षी मलिक और बाकी लोगों ने इनका विरोध किया, और यहाँ तक कि साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी। उसके बाद एक राजनीतिक उठा पटक शुरू हो गई, जिसमें साक्षी मलिक से प्रियंका गांधी ने भी मुलाकात की, वही जी अपने मेडल को उनके साथ एक खिलाड़ी ने प्रधानमंत्री के आवाज पे उसे हटाने की बात कही और बोला कि ये मेडल हम ठीक है। अजय, वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त विवेक श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी, नए अध्यक्ष संजय सिंह की मान्यता रद्द कर दी गई है, और हाल ही में अभी उन्हें कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया था, इतनी जल्दबाजी वाला फैसला आखिर सरकार ने क्यों लिया? देखिए, मुझे जानकारी हुई है जी, और अभी उसके पूरी तथ्यों से मैं अवगत नहीं हूँ। सरकार को जब इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो सरकार इस तरह की कार्रवाइयां करती है। थोड़ा अभी और समय लगेगा, स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। सरकार हर स्थिति में कुश्ती संघ की शुचिता और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बहाल रखने के लिए संकल्पित है। मुझे लगता है कि जो उनके चुनाव को लेकर के जिस तरह से लोगों का विरोध प्रदर्शन हुआ, उस स्थिति में सरकार ने कुश्ती संघ की स्वच्छता को बहाल रखने के लिए ऐसा कदम उठाया है। फिर भी थोड़ा समय लगेगा, स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। मैं इससे ज्यादा इस समय इस पे कुछ कहने की स्थिति में नहीं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक जी। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, जहां भारतीय कुश्ती संघ पर सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला। भारतीय कुश्ती संघ के हाल ही में चुनाव संपन्न हुए थे, और इस चुनाव में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को जीत मिली थी, और पहलवान अनीता शोराड़ को हार मिली थी। वही अब इस मामले पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द करते हुए संजय सिंह के द्वारा लिए गए सभी फैसलों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। वापस अजय का रुख करते हैं, जो लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हैं। अजय, देखिए बीते दिनों जब अजय सिंह को कमान मिली, तो उस दौरान सभी पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहां साक्षी मलिक ने बड़े ही भावुक होकर अपने जूतों को टेबल पे रखा और कहा कि वो कुश्ती से संन्यास लेती हैं। क्या सरकार ने दबाव में आके ये फैसला लिया है जो आज देखने को मिला है? ये कहना तो जल्दबाजी होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लोक आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव, तो सरकार कोई भी ऐसा मुद्दा
विपक्ष को देना नहीं चाहते कि जिसके वजह से उसे कहीं भी किसी भी सीट पे या किसी भी मामले को लेके नुकसान हो। और रही बात एक पॉलिटिशियन और एक खिलाड़ियों की, तो खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं, शायद सरकार ने खिलाड़ियों की भावनाओं को भी कद्र किया, इस वजह से भी ये फैसला लिया गया कि सभी खिलाड़ी कुश्ती संघ के, जिस वजह से ये चुनाव हुआ वही चीजें फिर से अगर हो रही थी एक बड़ा प्रश्न था। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अजय उस खबर पर लगातार हमारे साथ तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो नए अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दे चले कि ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी थे जिन्हें कुश्ती संघ की कमान सौंपी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से ये बड़ा फैसला देखने को मिला है। और आपको बताते चले कि खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द करते हुए अभी तक संजय सिंह के द्वारा जितने भी फैसले लिए गए थे उसको पूरी तरीके से रद्द किया है, और इसके साथ ही अगले आदेश तक सभी गतिविधियों पर रोक भी लगा दी गई है।